संघर्ष में कोई कमी नहीं। अरे भाई मत करो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, और सिर्फ जवाब देना। मेहनत में कमी दिखी? संघर्ष में कमी दिखी? रगड़ाई में कमी दिखी? से काम लो, आने वाला जमाना, आने वाला भविष्य देश प्रदेश का आप सबके साथ है, नौजवानों के साथ है। और मैंने जो मुद्दे उठाए हैं, मैं चाहता हूं न्याय मिले, जल्द मिले, बिना पक्षपात के मिले, और न्याय मिलना भी चाहिए और न्याय दिखना भी चाहिए कि मिल रहा है। छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी अगर विवाद होगा, कोई भी विरोध करेगा, तो मैं उसके सामने खड़ा हूँ। छात्रों को, स्टूडेंट्स को, और सिर्फ छात्रों को नहीं, नौजवानों को, नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने में जो योगदान देगा मैं उसका समर्थन करूंगा। इसलिए साथियों मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप समझदार लोग हो, जागरूक लोग हो, सब पूरे देश के दुनिया के साथ हमारे अंदर वो गुण, वो कला, वो ताकत होगी, तभी हम दुनिया भर के नौजवानों को चुनौती दे सकते हैं। हमें अपनी सोच को, हम लोगों को जो नीति बनाने का काम करते हैं, जो सरकारों में, राजनीति में, विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में, हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम जो कानून बना रहे हैं, जो नीति निर्माण कर रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं, जो कार्यक्रम बना रहे हैं, जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं, वो किसके लिए बना रहे हैं। अपनी सोच को व्यापक करना पड़ेगा। हम लोगों के अंदर भविष्य की पीढ़ी की चिंता अगर नहीं रहेगी तो हम सही राजनीति नहीं कर रहे। चुनाव आते हैं, हम एक दूसरे का विरोध करते हैं, और करना भी चाहिए, सिद्धांतों पर करना चाहिए, मुद्दों पर करना चाहिए। पिछले 5 दिनों से मैंने जिन बातों पर भाषण दिया है वो मुद्दे हैं किसान के, नौजवानों के, आप लोगों के, वो व्यक्तिगत आरोप नहीं है किसी के ऊपर। साथियों व्यक्तिगत आलोचना करना, गाली गलौज करना, कठोर शब्द बोल देना बड़ा आसान काम है।